बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी देबो खान ब्यूटी टिप्स, वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, 15 से 20 मिनट का ये काम करें और महंगे से महंगा फेशियल उससे जान छुड़वाएं। सिर्फ 15 मिनट में स्किन को कमाल का चेंज दिखाएगा। जी जनाब, जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसका कंटिन्यूसली यूज़ रख कर आप अपने कम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ना तो स्किन जो है वो पतली होगी और ना ही किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट होगा, बल्कि इस वन स्टेप फेशियल से स्किन हेल्दी होगी। जी जनाब, आज की रेमेडी जो आपके साथ शेयर करूंगी वो वन स्टेप फेशियल है। इस रेमेडी को पर्सनल मैं यूज़ करती हूँ, इस फेशियल को ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। ओके, रेमेडी को स्टार्ट करती हूँ और जो इंग्रेडिएंट इस वन स्टेप फेशियल में ऐड होंगे आपको वो भी बताती हूँ। जी जनाब, वन स्टेप फेशियल एट होम, इसके लिए हमें जस्ट 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड होगा वो होगा मिल्क। आप रॉ मिल्क भी ले सकती हैं और आप पैकिंग वाला मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। जी जनाब, मिल्क जो है वो इस वन स्टेप फेशियल में क्लिनजिंग का काम करेगा। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होगा, राइस फ्लोर जो है ये इस वन स्टेप फेशियल में स्क्रबिंग का काम करेगा। इसके अलावा जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो होगा एलोवेरा जेल। वो आपने प्लांट वाला ही लेना है, इतना ही पीस काफ़ी है, मार्केट वाला आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इस वन स्टेप फेशियल में जस्ट एंड जस्ट हमें प्लांट वाला ही एलोवेरा जेल चाहिए और इस वन स्टेप फेशियल में एलोवेरा जेल जो है ये मास्क का काम करेगा। जी जनाब, अब हम अपनी रेमेडी को, अपने वन स्टेप फेशियल को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ स्पून मिल्क लिया है, मैंने रॉ मिल्क लिया है, आप पैकिंग वाला मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने इसमें हाफ स्पून राइस फ्लोर का ऐड करूंगी। इसके अलावा जो लास्ट इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट आज का है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोई करने वाला है, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का आपने ऐसा इतना सा पीस ले लेना है, साइड से आपने इसकी कटिंग करनी है और इसका जेल निकाल के वो हमने इसके अंदर यूज करना है। एलोवेरा जेल को हमने इसकी एक साइड से पील ऑफ कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर से हमने जेल निकालना स्टार्ट करना है और वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। जी जनाब, हमारा हो गया है वन स्टेप फेशियल रेडी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताऊंगी। अच्छा जनाब, इस रेमेडी को आप स्टोर करके 1 वीक के लिए रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि हमने इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। पहले हमने इस तरह थोड़ा सा लेना है, लेके हमें इसका मसाज करना है, क्योंकि ये वन स्टेप फेशियल है, इसमें क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और मास्क तीनों ऐड हैं। हम अच्छे से इसका 5 से 7 मिनट तक मसाज करेंगे। देन आफ्टर मसाज हम इसकी एक और थिक सी लेयर जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जी जनाब, ये जब ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। इस वन स्टेप फेशियल में क्लिनजिंग, मास्क और स्क्रबिंग तीनों ही स्टेप्स शामिल हैं। इसे आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इस फेशियल से जनाब आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोई और फेयर होगी। और जनाब एक इम्पॉर्टेंट बात, इस रेमेडी को बॉयज़ एंड गर्ल्स और स्पेशली टीन एजर्स जो बच्चियां हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं विद नो साइड इफ़ेक्ट। ये नहायत ही कमाल का फेशियल है और इंतहाई सस्ता भी है और सबसे बड़ी बात क्विक भी है। आप आसानी से 15 मिनट में इस फेशियल को कर सकती हैं। इसके साथ ही जनाब इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।